अभी हम जान रहे हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिन्होंने महाराष्ट्र में स्वतंत्र रूप से मराठा साम्राज्य की स्थापना की, मराठा साम्राज्य की नींव डाली। तो शिवाजी के बारे में भी हम जान रहे थे। तो आज हम शिवाजी के बारे में जो अगला पॉइंट जानेंगे वो है अपना शिवाजी एवं मुगल। आज का अपना पॉइंट है शिवाजी एवं मुगल। शिवाजी और मुगल, उनके बीच में कैसी कैसी घटनाएं हुई और किस प्रकार के संबंध थे, ये अपना आज का पॉइंट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आता है, तो इसको आप देखें। शिवाजी मराठा शासक थे और वो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कर रहे थे और अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके थे। और इधर मुगल शासक था औरंगजेब, जिस समय शिवाजी महाराष्ट्र की तरफ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहे थे, मराठा राज्य की स्थापना कर रहे थे, उस समय उत्तर भारत की तरफ मुगल साम्राज्य था और मुगल वंश का राजा उस समय औरंगजेब था। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था जो उत्तर भारत की तरफ अधिकार किए हुए था। उसी समय दक्षिण भारत की तरफ शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उस सभी से आप परिचित हो। औरंगजेब की धार्मिक नीति अन्य धर्मों के प्रति बहुत ही खराब प्रकार की थी। औरंगजेब हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन बौद्ध अन्य जितने भी धर्म थे उन सब धर्मों से घृणा करता था और उन सब धर्मों को नष्ट करके संपूर्ण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो औरंगजेब हिंदू धर्म का भी काफ़ी नुकसान कर रहा था, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना, उनके मंदिर तोड़वाना, ऐसे कार्य औरंगजेब बहुत ज़्यादा करता था। तो औरंगजेब के इन कार्यों से हिंदू राजा बहुत परेशान थे। इधर शिवाजी ये भी हिंदू धर्म से संबंधित थे, तो औरंगजेब जैसे खराब धार्मिक नीति वाले शासक का औरंगजेब से युद्ध होना निश्चित था। दोनों के बीच में युद्ध या लड़ाई होना स्वाभाविक था क्योंकि औरंगजेब इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहा था, हिंदू धर्म का नुकसान चाह रहा था। इधर शिवाजी धर्म प्रेम शासक थे, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो शिवाजी और मुगलों के बीच में किस प्रकार के संबंध हुए, किस प्रकार की गतिविधियां हुई वो हम आगे देखते हैं। तो उस समय मुगलों का शासक औरंगजेब था, तो शिवाजी लगातार आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा था और अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा था। बीजापुर जैसे मजबूत शासक को उसने परास्त किया था और बीजापुर के बहुत सारे क्षेत्रों पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। अफजल खां जैसे मजबूत सेनापति को शिवाजी ने मारा, जिससे शिवाजी की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। उस शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से औरंगजेब भी प्रभावित था। औरंगजेब को भी अन्य राजाओं की तरह ये डर सताने लग गया था कि शिवाजी की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है और शिवाजी कहीं मेरे क्षेत्रों पर धीरे धीरे अधिकार नहीं कर लें, ये डर औरंगजेब के मन में बैठ चुका था। यानी शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से औरंगजेब भी भयभीत हो चुका था। तो औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने की योजना बना ली। औरंगजेब ने सोच लिया कि शिवाजी की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है और यदि इसको अभी नहीं रोका गया तो ये आगे जाकर मेरे लिए, मुगल वंश के लिए खतरा बन जाएगा, तो इसको कैसे भी रोकना चाहिए अभी। तो शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने अभियान किए। तो शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए, शिवाजी का दमन करने के लिए यानी शिवाजी को मारने के लिए औरंगजेब ने मुख्यतः चार अभियान किए थे शिवाजी का दमन करने के लिए
औरंगजेब ने चार अभियान किए थे, तो उन चारों अभियानों को हम विस्तार से जानते हैं। जब शिवाजी और मुगलों के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इन चारों अभियानों का पॉइंट बनाकर आसानी से बता सकते हो। तो औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए चार अभियान किए, वो चार अभियान कैसे हुए और उनके परिणाम क्या निकले, कैसी घटनाएं हुई, उनको हम देखते हैं। तो पहला अभियान हम देखते हैं औरंगजेब द्वारा शिवाजी का दमन करने के लिए जो पहला अभियान किया गया उसको हम देखते हैं। पहला अभियान हुआ 1663 में। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा था अपने मामा, शिवाजी का मामा था जिसका नाम था शाइस्त खां। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए या शिवाजी को समाप्त करने के लिए जो पहला अभियान किया था वो 1663 में किया। औरंगजेब ने अपने मामा जिसका नाम था शाइस्ता खां, जो एक बहुत प्रमुख सेनापति था और मुगल सेना में लंबे समय से सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था, लड़ने का काफी अनुभव था और एक बहुत ही जोरदार प्रकार का सैनिक था, तो अपने मामा शाइस्त खां को औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ 1663 में भेजा। 1663 में मामा शाइस्त खां शिवाजी को समाप्त करने के लिए आगरा से रवाना होकर महाराष्ट्र की तरफ आ गया। शाइस्ता खां बहुत सारे मुगल सैनिकों को अपने साथ लेकर आया था शिवाजी को समाप्त करने के लिए। तो शाइस्ता खां ने आते ही सबसे पहले महाराष्ट्र का एक प्रमुख क्षेत्र है पूना, इस पूना पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले आते ही पूना पर थोड़े से ही मराठा सैनिक थे, तो उन थोड़े से मराठा सैनिकों को परास्त करके शाइस्ता खां ने बड़ी मुगल सेना की मदद से पूना पर अधिकार कर लिया 1663 में। पूना पर अधिकार होते ही शाइस्ता खां ने पूना में ही अपना शिविर जमा लिया और वो आगे की योजना पूना में रहकर ही बनाने लग गया शिवाजी को परास्त करने के लिए। जब शिवाजी को इस बात की खबर मिली कि औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बड़ी सेना देकर मेरे खिलाफ भेजा है, तो शिवाजी ने भी शाइस्ता खां को रोकने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। शाइस्ता खां पूना में शिविर बना के रुका हुआ था, यानी शाइस्ता खां का जो शिविर था वो पूना में लगा हुआ था। तो शिवाजी ने योजना इस प्रकार से बनाई कि शिवाजी शाइस्ता का शिवाजी के पास पहुंचता इससे पहले ही शिवाजी अपने 400 मराठा सैनिकों को लेकर, 400 मराठा सैनिक शाइस्ता खां का शिविर पूना में लगा हुआ था। शाम का समय हो चुका था, शाइस्ता खां अपने शिविर में ठहरे हुए थे, अन्य जो मुगल सैनिक थे वो भी अपने अपने शिविर में आराम कर रहे थे और कुछ मुगल सैनिक शिविर की पहरेदारी कर रहे थे। शाम का समय हो चुका था, रात होने वाली थी। उस समय शिवाजी 400 मराठा सैनिकों के साथ आए और शिविर में प्रवेश करने लग गए। तो शिविर में प्रवेश करे उस समय मुगल सैनिकों ने शिवाजी को टोका, तो शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, शिवाजी ने मराठा मुगल सैनिकों से कहा कि हम तो मुगल सेना में काम करने वाले ही मराठा सैनिक हैं जो अपने अपने स्थानों पर आराम करने के लिए जा रहे हैं। अब उस समय भी मुगल सेना में कुछ एक मराठा सैनिक काम करते थे, तो शिवाजी ने उस चीज का लाभ उठाकर मुगल सैनिकों को झांसा दे दिया
कि हम तो मराठा सैनिक हैं जो मुगल सेना में काम करते हैं और हम अपने स्थान पर सोने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार का झांसा देकर ये सभी मराठा सैनिक और शिवाजी शिविर के अंदर दाखिल हो गए, शिविर में पहुंच गए। तो अर्ध रात्रि के समय यानी आधी रात के समय, जब सारे मुगल सैनिक सो रहे थे, शाइस्ता खान भी अपने परिवार के साथ अपने निवास स्थान पर सो रहा था, उस समय शिवाजी और उसके साथ आए 400 मराठा सैनिकों ने आधी रात के समय शिविर पर आक्रमण कर दिया और मारकाट मचाना शुरू कर दिया। अब अचानक हुए इस हमले से मुगल सैनिक संभल नहीं पाए और वो इन 400 मराठा सैनिकों द्वारा मारे गए। अब जब शाइस्ता खान के निवास पर आक्रमण शिवाजी ने किया तो शाइस्ता खान पर शिवाजी ने वार किया तो शाइस्ता खान की एक अंगुली कट गई और वो घायल हो गया। लेकिन शाइस्ता खान अंधकार का फायदा उठाकर शिवाजी से बच के कैसे भी वहां से निकलकर भागने में सफल हो गया। लेकिन शाइस्ता खान का जो परिवार था, तो शाइस्ता खान का एक तो पुत्र था और शाइस्ता खान की 6 पत्नियां थी, यानी एक दो पुत्र और 6 पत्नियां। शाइस्ता खान के परिवार में एक पुत्र और 6 पत्नियां, ये सभी भी शाइस्ता खान के साथ थे। शाइस्ता खान तो अंधकार का फायदा उठाकर भाग गया, लेकिन उसका एक पुत्र और 6 पत्नियां इस आक्रमण में मारे गए, यानी ये सब इस लड़ाई में मारे गए। और भी जो मुगल सैनिक थे वो भी इस लड़ाई में मारे गए। तो यहाँ शिवाजी ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए शाइस्ता खान जैसे मजबूत सेनापति को, जो एक बड़ी मुगल सेना के साथ शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए आया था, उसको आसानी से परास्त कर दिया और उसको यहाँ से भगा दिया। शाइस्ता खान बचकर आगरा दरबार में औरंगजेब के पास पहुंचा। औरंगजेब को जब इस असफलता की खबर मिली तो औरंगजेब काफी निराश हुआ, उसे शाइस्ता खान पर बहुत क्रोध भी आया, लेकिन अपना मामा होने के कारण उसको मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन शाइस्ता खान को दंड के रूप में बंगाल भेज दिया औरंगजेब ने और उसको बंगाल में ही रखा। तो इस प्रकार औरंगजेब का जो पहला अभियान था ये पूर्णतः असफल हो गया शिवाजी के खिलाफ। अब हम जानते हैं औरंगजेब का दूसरा अभियान। शिवाजी के खिलाफ किया गया दूसरा अभियान हम जानते हैं। तो दूसरा अभियान हुआ 1664 में। शिवाजी ने जो दूसरा अभियान किया वो दूसरा अभियान 1664 में किया। अब की बार औरंगजेब ने किसको भेजा? अब की बार औरंगजेब ने भेजा शहजादा। शहजादा मतलब अपना पुत्र, औरंगजेब का बड़ा ही बड़ा पुत्र था मुअज्जम। मुअज्जम इसको भेजा। अब की बार औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम को शिवाजी के खिलाफ भेजा। अब मुअज्जम के साथ किसको भेजा? मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का शासक, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, जसवंत सिंह। तो मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह, इसको भी अपने बेटे मुअज्जम के साथ भेजा। तो दूसरा जो अभियान हुआ वो 1664 में हुआ। अब की बार औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम को और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा। लेकिन शिवाजी काफी वीर, युद्ध कला में निपुण और बहुत ही बुद्धिमान शासक थे। शिवाजी को हराना कोई खेल नहीं था। तो 1664 में जो अभियान हुआ उस अभियान में भी ये दोनों असफल हो गए, यानी ये शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ये दोनों भी असफल होकर वापस औरंगजेब के पास में लौट गए और औरंगजेब वापस से निराश हुआ। अब इस असफलता में शिवाजी को तो फायदा ही मिला, इस अभियान में शिवाजी को फायदा ये मिला कि जब मुअज्जम और मारवाड़ शासक जसवंत सिंह ने उस पर आक्रमण किया तो अब की बार शिवाजी काफी क्रोधित हो गए। शिवाजी को क्रोध यह आया कि औरंगजेब उसके खिलाफ पहले एक अभियान कर चुका है और फिर दोबारा से फिर अभियान कर दिया, तो औरंगजेब के खिलाफ यानी मुगलों के खिलाफ शिवाजी के मन में काफी ज्यादा क्रोध आ गया
और इस क्रोध के चलते ही ये दोनों तो असफल होकर जा ही चुके थे। बाद में शिवाजी ने क्या किया, मुगलों का एक प्रसिद्ध शहर था सूरत। मुगलों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और धन संपन्न क्षेत्र था सूरत। इस सूरत पर आक्रमण कर दिया शिवाजी ने। इस दूसरे अभियान की वजह से शिवाजी को काफी क्रोध आया और शिवाजी ने 1664 में ही सूरत पर आक्रमण कर दिया। 1664 में तो यह ध्यान रखना कि शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करके प्रथम बार सूरत को कब लूटा, 1664 में। सूरत मुगलों के अधीन था और काफी धन संपन्न शहर था, बहुत ज्यादा धन सूरत में था। तो शिवाजी ने सूरत को अपने जीवन काल में दो बार लूटा था, एक तो प्रथम बार तो 1664 में और दूसरी बार 1670 में। तो सूरत को पहली बार शिवाजी ने 1664 में लूटा था इस अभियान के बाद में। तो शिवाजी ने सूरत को लूटा, सूरत काफी धन संपन्न था, तो इस लूट में शिवाजी को बहुत फायदा हुआ। इस लूट में शिवाजी को लगभग 1 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई, यानी कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ उस समय बहुत ज्यादा थे। तो 1 करोड़ के रत्न आभूषण, 1 करोड़ तक के रत्न आभूषण शिवाजी को इस लूट में प्राप्त हुए। तो इस लूट से शिवाजी को काफी फायदा हुआ और औरंगजेब को काफी नुकसान हुआ। तो ये दूसरा अभियान था। तो इस दूसरे अभियान की आप जानकारी ध्यान रखें, सूरत पर प्रथम बार लूट की शिवाजी ने 1664 में। तो इस प्रकार दूसरा अभियान भी औरंगजेब का असफल ही हुआ और उससे औरंगजेब को काफी नुकसान भी हुआ, उसका प्रसिद्ध शहर सूरत शिवाजी द्वारा लूटा गया। आगे देखो तीसरा अभियान, औरंगजेब का तीसरा अभियान जानते हैं हम। तीसरा अभियान औरंगजेब ने किया, तो अब की बार उसने किसको भेजा, तीसरा अभियान किया 1665 में। यानी औरंगजेब ने जो 4 अभियान किए थे वो अभियान उसने लगातार ही किए, पहला 63 में, दूसरा 64 में, तीसरा उसने 65 में किया। औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए, शिवाजी का दमन करने के लिए, उसकी शक्ति को रोकने के लिए तीसरा अभियान किया, वो किया उसने 1665 में। अब की बार औरंगजेब ने भेजा आमेर के कुशल कूटनीतिज्ञ शासक मिर्जा राजा जयसिंह को। अब की बार औरंगजेब ने आमेर के का एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, यानी बहुत ज्यादा बुद्धिमान और चतुर शासक था, जिसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। तो अब की बार यानी 1665 में तीसरे अभियान में औरंगजेब ने आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। तो ये सभी मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह है, आमेर रियासत के शासक हैं, ये सब मुगलों के अधीन थे। तो मुगल जैसा इनको आदेश देते थे वैसा ही इनको करना पड़ता था। तो आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को आदेश दिया गया कि शिवाजी का दमन किया जाए, जाके शिवाजी को समाप्त किया जाए। तो मिर्जा राजा जयसिंह को 1665 में शिवाजी के खिलाफ भेजा गया। अब जयसिंह के साथ और भी भेजे गए, जयसिंह के साथ सूबेदार भेजा गया, मुगल सूबेदार भेजा गया दिलेर खां को भी भेजा गया इसके साथ, और एक और सैनिक था ताज खां।
ताज खां इसको भी भेजा गया। तो जो तीसरा अभियान हुआ 1665 में, इस अभियान में आमेर का राजा जयसिंह आया, उसके साथ दिलेर खां और ताज खां भी आया और मुगल सेना तो थी साथ में। तो इन सबको अब की बार औरंगजेब ने बड़ी सेना देकर, बहुत विशाल सेना देकर तीसरा अभियान शिवाजी के खिलाफ किया। ये सब आए और मिर्जा राजा जयसिंह को भेजने से पहले औरंगजेब ने कहा कि या तो औरंगजेब को मार देना, औरंगजेब ने कहा कि या तो शिवाजी को मार देना या फिर उसको बंदी बनाकर मेरे पास ले आना। तो इस प्रकार का कार्य आप करना, या तो उसको बंदी बना के मेरे पास ले आना शिवाजी को आगरा दरबार में, या फिर उसको मार देना। इस ऐसी बात कहके जयसिंह को 1665 में भेजा। जयसिंह बड़ी सेना लेकर इन सबके साथ मिलकर शिवाजी के खिलाफ आया और आते ही उसने महाराष्ट्र में पुरंदर का किला है, पुरंदर का दुर्ग, उसको घेर लिया। तो अब की बार औरंगजेब ने जयसिंह को बहुत विशाल सेना देकर भेजी थी, यानी मुगल सेना का लगभग 80% हिस्सा मुगल सेना जितनी भी थी उसमें से 20% सेना आगरा में रखी औरंगजेब ने खुद के पास, बाकी 80% सेना देकर यानी आधी से भी अधिक सेना जयसिंह को देकर अब की बार भेजी। तो काफी बड़ी सेना थी अब की बार, तो अब की बार शिवाजी के लिए लड़ना काफी मुश्किल था, क्योंकि ऐसे मान सकते हैं कि पूरी की पूरी मुगल सेना ही अब की बार शिवाजी के खिलाफ आ गई थी। तो इतनी बड़ी सेना होने की वजह से जयसिंह शुरुआती आक्रमणों में सफल रहा और जयसिंह ने शिवाजी के कुछ एक किलों पर अधिकार कर लिया। उन किलों पर अधिकार करने के बाद में जयसिंह ने पुरंदर का जो दुर्ग है, इस पुरंदर के दुर्ग को घेर लिया और शिवाजी इस पुरंदर के दुर्ग के अंदर ही था। शिवाजी पुरंदर के दुर्ग में ही था, इस दुर्ग को जयसिंह ने घेर लिया। तो शिवाजी चारों तरफ से मुगल सेना से घिर गया और उसको यह आभास हो गया कि अब लड़ते हुए या तो वीरगति होगी या फिर मुगलों के सामने झुकना है। तो इस प्रकार से शिवाजी के सामने रास्ते रहे। तो शिवाजी ने यहाँ पर भी अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। शिवाजी जब पुरंदर के किले में मुगल सेना से या मिर्जा राजा जयसिंह से चारों तरफ घिर गए, तो शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और उसने जयसिंह से संधि करने की बात कही कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपसे संधि कर लेता हूँ जिससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। तो शिवाजी ने संधि की बात कही, इस संधि की वजह से शिवाजी बच गए और बाद में जब चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं बचा तो शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ संधि करने का निश्चय किया और फिर दोनों के बीच में संधि हुई, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई। उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई जून 1665 को, ध्यान रखना। पुरंदर की संधि भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है, पुरंदर की संधि कब हुई, किसके बीच, उसके क्या प्रावधान थे, क्या शर्तें थी। तो पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 में, किस किसके बीच हुई थी, शिवाजी के बीच में और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। मिर्जा राजा जयसिंह किसका आदमी था, औरंगजेब का, यानी औरंगजेब ने इसको भेजा था। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई, लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं बोलकर हम ऐसे बोलें कि पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको यही बात ध्यान रखना है, पुरंदर की संधि जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। अब इस संधि में क्या क्या प्रावधान थे, यानी इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई, तो वो शर्तें क्या क्या थी। तो इस संधि में दो शर्तें तो शिवाजी की तरफ से रखी गई और दो शर्तें जयसिंह की तरफ से रखी गई। तो शर्तें भी हम देखते हैं, पुरंदर की संधि की शर्तें भी पूछ ली जाती है।
तो इस संधि की शर्त ये देखते हैं हम, पुरंदर की संधि की शर्त है, पुरंदर की संधि की शर्तें या प्रावधान भी आप बोल सकते हो, पुरंदर की संधि की शर्तें या प्रावधान। तो इसकी दो शर्तें तो शिवाजी की तरफ से दो, जयसिंह की तरफ से रखी गई, तुम चारों को एक साथ देख लेते हैं हम। पुरंदर की संधि की मुख्यतः चार शर्तें थी, चारों शर्तों को हम देखते हैं। पहली शर्त थी या पहला प्रावधान था पुरंदर की संधि जो जून 1665 को हुई, उसकी जो पहला प्रावधान पहली शर्त थी वो ये थी कि शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 35 दुर्गों में से 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दी। इस संधि का जो पहला प्रावधान था वो था कि शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए, यानी इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े और मात्र 12 ही दुर्ग शिवाजी ने अपने पास रखे इस संधि के द्वारा। तो पहला प्रावधान तो यह था इस संधि का। दूसरा प्रावधान ये कि शिवाजी का पुत्र संभाजी उस संभाजी को मुगल दरबार में पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000वां मनसबदार नियुक्त किया गया। दूसरी शर्त क्या थी संधि की? इस संधि की दूसरी शर्त यह थी कि शिवाजी का जो पुत्र है संभाजी, उसको मुगल दरबार में 5000वां मनसबदार नियुक्त किया गया। तो 5000वां मनसबदार बनना बहुत बड़े सम्मान की बात थी। मुगलों में क्या सिस्टम था कि मुगलों में किसी भी व्यक्ति को उसके पद के हिसाब से मनसबदार बनाया जाता था। तो जिसको जितना हजारी मनसबदार बनाया जाता था उसका सम्मान उतना ही ज्यादा होता था, 1000वां 2000वां। तो संभाजी को यहाँ पर 5000वां मनसबदार नियुक्त किया गया था। मनसबदारी प्रथा मुगल सेना में चलती थी, जो जितना ज्यादा मनसबदारी होता था उसका सम्मान उतना ही ज्यादा होता था। तो उसके शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000वां मनसबदार नियुक्त किया गया। दो शर्तें तो ये हो गई। तीसरी और चौथी शर्त भी हम जानते हैं। इस संधि की तीसरी शर्त थी कि मुगल शिवाजी की सेना बीजापुर पर आक्रमण करते समय मुगलों का साथ देगी। ये इस संधि की तीसरी शर्त थी। इस पुरंदर की संधि की तीसरी शर्त क्या थी कि शिवाजी की सेना
बीजापुर पर आक्रमण करते समय मुगल सेना का साथ देगी, यानी भविष्य में कभी भी मुगल सेना यदि बीजापुर पर आक्रमण करेगी तो उस समय शिवाजी की सेना यानी मराठा सेना मुगलों का साथ देगी। ये आश्वासन शिवाजी ने दिया कि कभी भी यदि मुगल सेना बीजापुर पर आक्रमण करेगी तो मेरी सेना यानी मराठा सेना मुगल सेना का साथ देगी। ये शर्त भी इस संधि में तय की गई। और इस संधि की जो चौथी और अंतिम शर्त थी वो ये थी कि शिवाजी को कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित होने पर बाध्य नहीं किया जाए। तो देखो इस संधि की जो चौथी शर्त थी वो ये थी कि शिवाजी को कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो पुरंदर की संधि जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। इस संधि की जो चार शर्तें थी वो आपने जान ली है। तो इस संधि की पहली और अन्य जो शर्तें थी वो सब आपने जान ली, इन शर्तों को आप देख लेना। तीसरी शर्त थी कि शिवाजी की सेना बीजापुर पर आक्रमण करते समय मुगलों का साथ देगी। और